हे कस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? कस, आज मैंने आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल सा आई मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि जोडिक साइन सीरीज से रिलेटेड है, कैंसर साइन से। और अगर आपको ये लुक थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बगल में एक बेल बटन होगा जिसको प्रेस करना ना भूलेगा। और आपको ये लुक कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बस आप देख सकते हो मैंने अपने में अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया है सीरम के सिवा। तो फिर सीरम के बाद नेक्स्ट मैं म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर लूंगी और एक एंगल ब्रश की हेल्प से छोटे छोटे स्ट्रोक में लाइन ही ड्रॉ करते हुए और अपनी आईब्रोज को शेप दूंगी एंड देन इसको फिल करूंगी। तो गर्ल्स आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज बिल्कुल बनी नहीं है, तो उनको पहले मैं अच्छे से शेप दे दूंगी एक, फिर उनको जब फिल करूंगी तो जो हमारा आईब्रो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा और हमारी जो आईब्रोज में काफ़ी अच्छा शेप मिल जाएगा। सो अच्छे से पहले हमें धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक में लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन उसको फिर अंदर की तरफ हम फिल कर देंगे ऊपर ले जाते हुए। गर्ल्स आपको इसका ध्यान रखना है कि जो हमारी आगे की आईब्रोज होती हैं और नेचुरली लाइट होती हैं, तो हमें भी उन्हें लाइट रखना है और पीछे की तरफ डार्क रखेंगे। सो आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज जो हैं वो ऑलमोस्ट डन है, अच्छे से मैंने इनको फिल कर लिया है। गर्ल्स आईब्रोज़ को अच्छे से फिल करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आई लुक है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अच्छे से हम पहले आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे आप देख सकते हो, फिर हम को अपना आई लुक स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से मेरी आईब्रोज़ फिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैं ओलिविया का पेन स्टिक लूँगी, मेरा शेड है 05, और इससे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को बिल्कुल नीट कर लूँगी जिससे कि जो हमारी आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल शार्प सी दिखें और हमारा आई लुक है वो अच्छा लगे। सो अच्छे से मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पहले लाइन सी ड्रॉ कर दी है कंसीलर से और फिर फिंगर की हेल्प से ही मैं उसको ब्लेंड करूँगी। सो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर उसे मैं पूरे अपने आईलिड पर भी कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से हमें अप्लाई करना जिससे कि जो भी हमारे डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाएं और जो हमारा बेस है वो हमें अच्छा मिले। तो इससे क्या होगा, जो भी हम आई शेडो अप्लाई करेंगे उससे जो हमारे कलर्स होंगे उनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आती है। सो गर्ल्स अच्छे से हम इनको फिंगर की हेल्प से ही मैंने ब्लेंड कर दिया, आप कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, फिर मैं इसको जो आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइन हमारी जो आईब्रोज़ की है वो बिगड़ गई थी, तो इसको अच्छे से फिर से मैंने ड्रॉ कर दी है, अब बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने ये शिवाना का पैलेट लिया, इसमें से ये येलो शेड लेके मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी जिससे कि जो हमने कंसीलर लगाया है वो क्रीज ना हो। इस समय तो गर्मियों का टाइम है तो हमारा कंसीलर बहुत जल्दी क्रीज होता है, सो इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर सेट कर दिया है। फिर मैंने जैकलिन हिल पैलेट लिया है मॉर्फी का, और इसमें से ये लाइट ऑरेंजिशा शेड लेंगे और इसको हम अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करेंगे। सो गर्ल्स ये हमारा ट्रांजिशन शेड होगा और फिर इसको हम एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से बाहर की तरफ ले जाते हुए फिर अंदर की तरफ इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और जिससे कि हमें क्रीज लाइन जो हमारी है वो काफ़ी अच्छे से दिखे। और हमें अच्छे अमाउंट में इसको पहले टैप रखना है अपने आईज पे थोड़ा थोड़ा, फिर उसको हम ब्लेंड करते जाएंगे। सो गर्ल्स ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी आई लुक के लिए, अगर हमारा जो आई लुक है वो ब्लेंड नहीं होगा तो हमारा आई लुक अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से ब्लेंड करें नहीं तो सब कुछ हार्श और अजीब सा लगेगा। सो आप देख सकते हो मैंने कलर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, मैंने जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पर कलर ज़्यादा डिपॉजिट किया एंड देन उसको मैं ब्लेंड करते गई हूँ। सो गर्ल्स आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपने आई शेडो को ब्लेंड कर दिया है। गर्ल्स अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं न्यू अपडेट्स देती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। फिर अच्छे से मैंने देख सकते हो अपने कलर को ब्लेंड कर दिया है और जिस अमाउंट में हमें चाहिए। गर्ल्स आपको आगे किस तरह की वीडियोज़ देखनी है मुझे ये नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तो रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं तो मैं आई लुक बहुत ही कम कर पाऊँगी, बट जितना हो सकेगा मैं रात को ही करके ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। तो सो गर्ल्स आप देख सकते हो फिर मैंने ये डार्क चॉकलेट शेड लिया है और इसको मैं अपनी क्रीज लाइन के अंदर ही रखूँ, क्रीज लाइन के ऊपर हमें नहीं जाना है बिकॉज ऑफ जो लुक है उसमें सेम ऐसा ही है, क्रीज लाइन पर बस डार्क चॉकलेट सा शेड दिख रहा है। सो वैसे ही करेंगे हम, हमें ब्रश को अंदर की तरफ रखना है और क्रीज लाइन पर उसको लगाते जाना है, ऊपर हमें नहीं जाना है।
और लगे हाथ उसको हम ब्लाइंड भी करते जाएंगे, जैसे कि जो हमारा आई लुक है वो जैसा पिक में है वो वैसा ही हमें मिले। सो अच्छे से आप देख सकते हो मैंने कलर को लगा लिया है, हमें थोड़ा सा डार्क कलर ही रखना है क्योंकि जब हम डार्क रखेंगे तो ही वो लुक में अच्छे से क्लियर होके आएगा। सो मेरा कलर ऑलमोस्ट डन है। नेक्स्ट मैंने कंसीलर लिया है, उससे मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। सो गर्ल्स हमें जो ब्राउन शेड हम लोगों ने अप्लाई किया था डार्क, उसके ऊपर नहीं जाना है, उसे थोड़ा सा नीचे ही रखना है क्योंकि उस लुक में ब्राउन शेड क्लियरली दिख रहा था, तो हमें भी उसको ऐसे ही रखना है और एक क्रीज से लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है। सो इसके लिए मैंने वही ओलिविया का कंसीलर लिया है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने कट क्रीज ड्रॉ कर ली है। आप देख सकते हो मेरी कट क्रीज ऑलमोस्ट डन है। हमें बाहर की तरफ भी बिल्कुल इक्वल रखना है। और फिर मैंने ये बिल्कुल लाइट पिंक सा शेड है इसको लिया है, क्रीम क्रीम होती है जैसे उस कलर का, और इसको मैंने फिंगर की हेल्प से ही जहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ की थी बस उसी पे अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हो। फिर मैंने एक क्लीन ब्रश लिया है और उसको ऊपर की तरह बिल्कुल हमारी क्रीज लाइन पे इसको ब्लेंड करना है, जिससे कि जो दोनों कलर हैं वो मर्ज हो जाएँ और कुछ भी हार्श या एजी सा ना लगे। सो आप देख सकते हो क्लीन ब्रश लेके मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट मैंने NYBA का लाइनर लिया है ब्लैक, और इसे एक मैं बड़ा सा विंग ड्रॉ करूँगी क्योंकि आप पिक में देख सकते हो काफ़ी ड्रामेटिक जो हमारा विंग लाइनर बना है, तो वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ विंग ड्रॉ करने की। और तो बाहर की तरफ पहले मैंने एक विंग सा ड्रॉ कर दिया है, देन इसको मैं अंदर की तरफ लाते हुए अच्छे से फिल कर लूँगी। सो गर्ल्स स्टार्टिंग में लाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वाटर लाइनर, तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, बट अब आप देख सकते हो मुझे काफ़ी अच्छे से लाइनर लगाना आ गया है। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छा लाइनर लगाना सीख जाओगे, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर मैंने अंदर की तरफ भी एक विंग सा ड्रॉ किया है क्योंकि उस लुक में अंदर की तरफ भी एक विंग है इनर कॉर्नर पर, सो अच्छे से मैंने इसको एक विंग ड्रॉ कर लिया है बिल्कुल थिन सा। और फिर मैंने ये काजल लिया है ब्लैक और इसको मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी, और अपनी लोअर और अपर वाटर लाइन में अच्छे से इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। फिर मैंने ये सॉरी मस्कारा लिया था, बट पहले मैं लोअर लैशेस को अपने ब्राउन शेड लेके अच्छे से स्मज कर लूँगी, जिससे कि जो हमारा काजल है वो स्मजी सा दिखे और हमारा जो आई लुक है वो जैसा कि उस पिक्चर में है सेम वैसा दिखे। फिर मैंने ये मेबलिन का मस्कारा लिया है और इससे मैं अपने लैशेस को 2 या 3 कोट कर लूँगी। लास्ट में मुझे वैसे भी फॉल्सीज अप्लाई करनी है, तो अच्छे से पहले मैंने अपनी लोअर लैशेस और अपर लैशेस को अच्छे से कोट कर लिया है इससे, और फिर मैं ऑफ कैमरा फॉल्सीज अप्लाई करूँगी। सो गर्ल्स फिर मैंने अच्छे से अपनी लैशेस को कोट कर लिया। गर्ल्स नीचे की तरफ जैसा कि पिक्चर में ग्लिटर अप्लाई किया हुआ है ब्राउन, सो मैं उसको भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसको अप्लाई किया अच्छे से अपनी लोअर लैशेस पे, और इसको अच्छे से हमें कलर को लगा लेना है ग्लिटर को, एंड देन जो भी फॉल हो रहा है उसको हम एक ब्रश की हेल्प से कंसीलर लगा के उसको हटा देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉल होता है इसमें। सो अच्छे से कंसीलर लगा के हम जो भी जहाँ भी हमारा ग्लिटर गिरा हुआ है उसको हम हाइड कर देंगे और हटा देंगे, और फिर उसको हम फिंगर की हेल्प से हमारे कंसीलर को जो ब्लेंड कर देंगे। सो आप देख सकते हो मैंने सेम वैसे ही किया है, अच्छे से मैंने लगा के कंसीलर को, देन इसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दिया है। सो गर्ल्स अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी। फिर मैंने अपने इनर कॉर्नर और अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लिया है सिल्वर शेड से इन कलर के हाईलाइटर से, एंड हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप मेरा ये लुक आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। सो गर्ल्स लास्ट में मैं शार्ट आउट देती हूँ स्मार्ट ब्यूटी, इनका एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छी आई लुक क्रिएट करती हैं, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी मेहंदी भी लगाती हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो उनका चैनल ज़रूर चेक करिए। और नेक्स्ट है ब्यूटी डिवा तेलुगु, तो वो भी आई लुक बहुत अच्छे अच्छे क्रिएट करती हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो उनका चैनल भी ज़रूर चेक करेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का शॉर्ट आउट दूँ तो जल्दी से मेरे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका शॉर्ट आउट करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।